हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। अप्रैल मंथ का ये मैगजीन है, इसका पहला सेक्शन जो है पॉलिटी, उसके दो टॉपिक्स ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसका जो तीसरा टॉपिक है स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स, इसके न्यूज़ में होने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल में तमिलनाडु स्टेट के अंदर जो चुनावी कैंपेन चल रहा था, उसके दौरान कुछ मूवमेंट्स देखने को मिला, यानी आंदोलन देखने को मिला। और वो आंदोलन इस चीज़ को लेकर के किया जा रहा था कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स जिस पे स्टेट का कंट्रोल होता है, तो उनको स्टेट कंट्रोल से फ्री किया जाए, इस चीज़ का डिमांड था। यानी तो मूवमेंट्स टू फ्री हिंदू टेम्पल्स, तो इसलिए ये न्यूज़ में था स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स। इस टॉपिक पे डिस्कशन ज़रूरी हो गया। तो आइए सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1817 में जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो उस वक्त से ये प्रथा स्टार्ट की गई थी। यानी इस प्रथा का शुरुआत हुआ था कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उनको स्टेट कंट्रोल करेगा। बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार ये प्रथा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 1925 में मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट जो है, वो पहला ऐसा इनैक्टमेंट किया गया फॉर द हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट्स। मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट्स एक्ट 1925 को देखते हुए कई स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ कानून जो है वो लोग सब बनाए। उसके बाद ये सारे लॉ जो होते थे वो सब मोस्टली एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का गठन करने का प्रावधान होता था उस एक्ट में, उस लॉ में। जैसे HR&CE है आपका, तमिलनाडु में चलता है ये हिंदू रिलीजियस, एंड ये देखिए यहाँ पर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इस्टेब्लिश करने का प्रावधान हर लॉ में, हर एक स्टेट के लॉ में होता है कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इस्टेब्लिश किया जाए जो टेम्पल्स का देखभाल करेगा, टेम्पल्स को एडमिनिस्टर करेगा। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी हाल ही में एक तो वो आपको तमिलनाडु वाला चुनावी कैंपेन के दौरान जो मूवमेंट्स था, एक वो हो गया। उसके बाद कई सारे ऐसे अब सवाल खड़े होने लगे हैं स्टेट कंट्रोल के एफिकेसी को लेकर के, उसके नीड्स को लेकर के, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जैसे आर्टिकल 25 का, कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रही है स्टेट, अगर स्टेट कंट्रोल कर रही है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनका मानना है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आर्टिकल 25 के हिसाब से। तो इसलिए आइए अब देखते हैं आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जैसे ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 25 के ही क्लॉज 2 में, यानी कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स है उन सब, वो सारे राइट्स जो है आपके एब्सोल्यूट तो कोई भी नहीं है, सारे पे गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है ऑन सम ग्राउंड्स। अब जैसे आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के ग्राउंड्स पे जो है इस पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 25 के ही क्लॉज 2 में स्टेट को ये पावर दिया गया है कि स्टेट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट्स एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी व्हिच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस।
यानी कि चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिस हो, चाहे कुछ भी हो, एनी सेक्युलर एक्टिविटी, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, कुछ भी, उन सब को या तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, या सिंपल भाषा में कह दीजिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद ये भी है उसी आर्टिकल के, मतलब 25 के क्लॉज 2 में, ये प्रावधान भी है कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ पब्लिक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदूज। तो एक तरह से ये बोलिए कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि स्टेट को ये पावर है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ भी रिफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 26 देखिए, आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स ऑल द रिलीजियस डिनोमिनेशंस द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विच इंक्लूड्स फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आपको राइट्स दिए गए हैं, दिज ऑल आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो इस आधार पर, इस दोनों आर्टिकल के आधार पर ये बात निकल के आती है कि स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों की बेसिस पर हम ये चीज बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए थर्ड, जो तीसरा बक्सा है उसमें लिखा हुआ है कि जो कंक्रेंट लिस्ट है आपके फेडरल स्ट्रक्चर में, जो सेवन्थ शेड्यूल में तीन लिस्ट दिए गए हैं, उसका जो तीसरा लिस्ट है कंक्रेंट लिस्ट, उसका एंट्री नंबर 28 में चैरिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जिक्र है। तो उस पर स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकती है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि सरकार अपने पक्ष में क्या बात रखती है, यानी कि ऐसे आर्गुमेंट्स जो स्टेट इंटरवेंशन के फेवर में है, कि हाँ स्टेट इंटरवेंशन ज़रूरी है या स्टेट इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है, उसके फेवर में जो कुछ आर्गुमेंट्स है नीचे उसको देखते हैं। सबसे पहला सोशल रिफॉर्म। तो फ्रेंड्स, सोशल रिफॉर्म यानी कि देखिए, इसका कहना है कि अगर स्टेट नहीं कंट्रोल करती है किसी भी टेंपल्स को या टेंपल्स प्रॉपर्टीज़ को, तो उसमें क्या है कि कई सारे टेंपल्स में आज भी दलित को एंट्री नहीं है। तो स्टेट अगर उसको ओन करती है उस टेंपल को, तो वहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं ये कि सोशल रिफॉर्म के लिए ज़रूरी है कि स्टेट इंटरवीन करे टेंपल्स में, क्योंकि अगर स्टेट कंट्रोल नहीं होता है तो कई जगह पे जहाँ पे दलितों को एंट्री नहीं है, वो आज भी कई जगह पे ऐसा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, विच विल इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द एंट्री ऑफ पब्लिक टेंपल्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला आर्गुमेंट्स देखिए है कि इंडिया सेकुलरिज्म डज नॉट प्रमोट रिजिड सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ये अगला आर्गुमेंट कह रहा है कि क्योंकि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट क्या करेगा, सारे जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सब की रक्षा करेगा, बट किसी में भी इंटरवीन नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो उतना रिजिड नहीं है। ये एक फेवर में आपका आर्गुमेंट हो गया स्टेट्स के फेवर में। उसके बाद तीसरा देखते हैं, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन। कह रहे हैं कि अगर स्टेट कंट्रोल करता है किसी भी टेंपल्स को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस के का जो है रिप्रेजेंटेशन इक्वल मात्रा में होगा, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन हेल्प इनहेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, यानी कि कुछ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो हैं उनको भी मंदिर में जाने का बराबर अधिकार मिलेगा। तो ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ही पॉसिबल है, क्योंकि कुछ मंदिरों में
क्या होता है कि जहाँ पे स्टेट का मान के चलिए इंटरवेंशन नहीं है, तो वहाँ पे कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स के द्वारा ही उस मंदिर का पूरा मैनेजमेंट जो है डोमिनेंट ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। तो वहाँ पर कुछ जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको वहाँ पर एंट्री बैन कर देते हैं वो लोग। तो इसलिए सरकार का ये कहना है कि हमारे आने से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा सभी सेक्शंस का। तो एक ये भी आर्गुमेंट उनके फेवर में है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि जैसे तमिलनाडु में HRCE एक्ट है, यानी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, वो क्या करती है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो बनाता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया जाता है HRCE डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें तीन में से एक मेंबर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ज़रूर उठाता है। तो इसीलिए अब देखिए, इसमें अगर मान के चलिए डोमिनेंट ग्रुप्स के द्वारा उसका मैनेजमेंट देखा जाता, तो इसमें ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं लेते। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा जैसा कि यहाँ पे ट्रेडिशन चलता है इंडिया में, तो उस हिसाब से तो एक फेवर में पॉइंट इन्होंने दिया कि ऐसा नॉन डिस्क्रिमिनेटिव फीचर जो है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो एक पॉइंट ये हुआ। उसके बाद देखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स, कह रहे हैं कि टेम्पल्स और टेम्पल्स के प्रॉपर्टीज़ को की अच्छी मतलब सिक्योरिटी, उसकी अच्छी मैनेजमेंट, वो सब अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे तो वो सब इधर उधर हो जाएंगे। तो एक पॉइंट्स ये भी अपने फेवर में गवर्नमेंट रख रही है। उसके बाद देखिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स कह रहे हैं कि कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी फंड्स हैं, बहुत सारे रुपये हैं, तो उसमें अगर सरकार का निगरानी नहीं होगा तो वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो सकता है या कुछ भी उसका मिसयूज हो सकता है। तो उस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, वहाँ पे गवर्नमेंट की निगरानी होनी ज़रूरी है। एक पॉइंट्स ये भी फेवर में। उसके बाद आखिरी पॉइंट्स उनके फेवर में ये देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स फॉर लोकल इकोनॉमी, जो टेम्पल्स है उसका लोकल इकोनॉमी में काफ़ी महत्व है। जैसे देखिए, जैसे मान चलिए बाहर वहाँ पर फ्लावर्स बेचने वाले, पूजा सामग्री के बेचने वाले की दुकान, कुक्स जो परफॉर्मर्स होते हैं मंदिर में, वो पुजारी, इन सबको एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करती है मंदिर। तो इन सब के लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट का निगरानी, नहीं तो वहाँ लड़ाई हो जाएगा। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। ये तीसरा आखिरी पॉइंट हो गया आपको फेवर में। उसके बाद देखिए, प्रीवेलेंट इशूज़ पर्टेनिंग टू द स्टेट इंटरफेरेंस इन द मैटर्स ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट। अब इसमें है, स्टेट के इंटरफेरेंस से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या इशूज है स्टेट इंटरफेरेंस से, जिसको लेकर के वो लोग मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि स्टेट से फ्री होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल से जो भी टेम्पल्स है, तो वो लोग किस बेसिस पे कर रहे थे ये देखिए, यानी उनका पॉइंट्स देखिए। तो उनका पॉइंट्स है डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन। ये कह रहे हैं ये लोग, इन लोगों का कहना है कि आप आर्टिकल 14 का और 15 का वायलेशन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट जो वो लोग देते हैं, जो भी यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के खिलाफ जो पॉइंट्स रखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन में ये इशूज है, ये प्रॉब्लम है, तो उसमें पहला पॉइंट रखते हैं ये लोग डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। यानी कि ये कह रहा है कि आप आर्टिकल 14 का वायलेट कर रहे हैं, आप आर्टिकल 14 और 15 दोनों का वायलेशन कर रहे हैं इफ़ यू आर रेगुलेटिंग द टेम्पल्स। क्योंकि इनका कहना है कि आर्टिकल 14 क्या इंश्योर करवाता है, राइट टू इक्वालिटी, जबकि आप सिर्फ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, बाकी और किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहाँ नहीं इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये आप आर्टिकल 15 का वायलेशन कर रहे हैं, आप राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये उनका पहला पॉइंट्स है जो उन लोगों ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अगेंस्ट में रखा है। उसके बाद अगला पॉइंट्स देखिए, इन इफेक्टिव इन इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन
ऑन टेम्पल बोर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये तो गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए था अपने फेवर में कि हमारे इंटरवेंशन से वोमेन रिप्रेजेंटेशन को भी वो मिलेगा। खैर चलिए, इसमें इन्होंने रखा है कि ये कहते हैं कि वोमेन रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ वोमेन इज डिसअपॉइंटिंग, यानी निराशाजनक है ये, वहाँ पर वोमेन की यानी महिलाओं की अनुपस्थिति जो है काफ़ी निराशाजनक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है लैक ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्ट। अब देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता का अभाव, ये कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी निर्धारित करती है तो गवर्नमेंट ये कंसीडर नहीं करती है कि उसके पास कितना क्षमता है मंदिर को मैनेज करने का या उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करने का या उसके स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियोसिटी कितना है उसके अंदर, ये कंसीडर नहीं करती है जिस समय उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को अपॉइंट कर रही होती है, उसके मेंबर्स को अपॉइंट कर रही होती है, तो उससे स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में कमी आती है। उसके बाद अगला पॉइंट है करप्ट प्रैक्टिसेस इन मैनेजमेंट ऑफ टेंपल प्रॉपर्टी। तो इन लोगों ने ये कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी आपके तरफ से वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है वो लोग कई बार जो है टेंपल्स के लैंड्स का यानी कि जो भी मंदिर का प्रॉपर्टी है उसका मिस एलोकेशन करते हैं और कई बार उसका मिसयूज भी करते हैं टेंपल्स के फंड्स का। जो आइडल थेफ्ट्स है यानी मूर्ति चोरी, ये इन सब चीज़ों में कई बार जो है ऐसा केस रिपोर्ट किया जा चुका है कि जो भी फंक्शनरीज आपके द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो सब इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के खिलाफ एक और पॉइंट। अगला पॉइंट है इरोजन ऑफ कल्चरल कैपिटल। कह रहा है कि कल्चरल कैपिटल को आप पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। पोलिटिसाइजेशन ऑफ टेम्पल बॉडीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। पोलिटिसाइजेशन ऑफ टेम्पल बॉडीज, अगर स्टेट ओन करती है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को तो उसको वो पोलिटिसाइज कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त उसका राजनीतिकरण किया जा सकता है। और इनका ये पॉइंट्स है इस अपने फेवर में और इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अगेंस्ट में ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छा है कि अगर स्टेट ओन करती है किसी भी टेंपल्स को या रिलीजियस इंस्टीट्यूट को तो वो इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर लें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगला डिसमल रिकॉर्ड इन मेंटेनिंग द आर्कियोलॉजिकल नेचर ऑफ स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल नेचर, अगर जो भी मंदिर का स्ट्रक्चर है उसका आर्कियोलॉजिकल नेचर को मेंटेन करने में भी ये लोग एक तरह से कह सकते हैं डिसअपॉइंट किया है हमें, कि जैसे लैक ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो वहाँ पर मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित किया जाता है उनके पास जो है टेक्निकल नॉलेज की कमी और स्किल की कमी के कारण जो है वो लोग इसके आर्कियोलॉजिकल नेचर को नहीं समझ पाते हैं और उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उस क्षेत्र में भी निराशाजनक रिजल्ट हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगला देखिए यूनिक इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। तो कई बार क्या होता है कि एकदम बिल्कुल ही गलत तरीके से इंटरफेयर कर देते हैं वो लोग इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस में भी, जैसे इसके प्राइस्टहुड में, उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग द यूसेज ऑफ टेंपल कलेक्शंस टू सेटअप द वेद पाठशालाज, यानी कि जैसे मंदिर में वेद पाठशाला कई बार अगर वो लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उनमें रोक लगा दिया जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। एक पॉइंट ये भी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से हमें इन सब चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। चलिए अब देखते हैं वे फॉरवर्ड्स, यानी इससे रिलेटेड क्या पॉसिबल सजेशंस हो सकता है उसके बारे में देखिए। तो ये कह रहे हैं देयर इज द नीड ऑफ आवर्स इज क्रिएटिंग अ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट इको सिस्टम दैट इंश्योर्स बेटर एथिकल स्टैंडर्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स मेंटेनेंस ऑफ देयर एसेट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल कैपिटल दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू द स्टेप्स सच एज। कह रहे हैं समय का मांग ये है कि एक गवर्नेंस और मैनेजमेंट इकोसिस्टम क्रिएट हो ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ टेंपल्स मेंटेनेंस ऑफ देयर एसेट्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर कल्चरल कैपिटल। और ये सब कैसे पॉसिबल है
आइए देखते हैं। पहला चीज, पहला सजेशंस जो है इन सब चीज़ों को एश्योर करवाने के लिए, जैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़रूरी चीज़, एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, मैनेजमेंट ऑफ टेंपल्स, उसके एसेट को मैनेज करना अच्छे से, यानी जो भी टेंपल्स का प्रॉपर्टीज है उसको एक बेटर वे में मैनेज करना, इन सब चीज़ों को एंश्योर करने के लिए नीचे जो सजेशंस दिए गए हैं, पहला सजेशन ये है, मेंटेनिंग अ ग्लास वॉल बिटवीन स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स। कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, आध्यात्मिक और प्रशासनिक, इन दोनों के बीच शीशे की दीवार मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके फेवर में और भी जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि ये बेहतर होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी निर्धारित किया जाता है उसको सुपरवाइजरी रेगुलेटरी रोल ना दे करके अगर हम उसको एक एडवाइजरी और सपोर्टिंग रोल दें, तो ये एक अच्छा पॉइंट्स है, सजेशन है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आप निर्धारित करते हैं, सबसे पहली बात तो अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आप अपॉइंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसके मेंबर्स को अपॉइंट करते वक्त आप वहाँ के लोकल जो लोग हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं या जो भी वहाँ के लोग हैं मंदिर से रिलेटेड, उन सब से कंसल्ट कर लीजिए, एक ये भी पॉइंट्स हो सकता है। उसके बाद ये देखिए, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन इंटरनली, कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन कीजिए इंटरनली उसको स्ट्रेंथन कीजिए सोसाइटल इंस्टीट्यूशन को टू मैनेज स्पिरिचुअल, ये देखिए सोसाइटल इंस्टीट्यूशन टू मैनेज स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंटरनली, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, टेंपल बोर्ड्स शुड बी सेट अप विद मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस इकोसिस्टम ऑफ टेंपल्स लाइक मठ्स, ट्रस्टी, अगमा स्पेशलिस्ट, रिसर्चर एंड एकेडमिशियंस एंड प्रोफेशनल्स लाइक सीएज एंड लॉयर्स एक्सेट्रा, ऑल्सो इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमेन। ये बात कह दी गई है यहाँ सजेशन में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमेन का भी ख्याल रखिए, और जब भी टेंपल बोर्ड का जो है एक टेंपल बोर्ड आप इस्टेब्लिश कीजिए जिसमें टेंपल बोर्ड के मेंबर्स में मठ्स के लोग को शामिल कीजिए, ट्रस्टीज शामिल कीजिए, गवाह स्पेशलिस्ट शामिल कीजिए, रिसर्चर्स होने चाहिए, एकेडमिशियंस होने चाहिए, उसमें प्रोफेशनल होने चाहिए जैसे सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, इन सबको। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ओमेन का भी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करिए उस टेंपल बोर्ड में। तो ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन। उसके बाद अगला सजेशन देखिए, क्लब टेंपल्स ऑन द बेसिस ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल। कह रहे हैं कि सारे मंदिरों को एक साथ जोड़िए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत। उससे क्या होगा कि जो लार्जर मंदिर है, जो बड़े मंदिर हैं जिनके पास बड़े बहुत पैसा है, फंड्स है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करेंगे, छोटे मंदिरों को हेल्प करेंगे, वीकर टेंपल्स को वो लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो एक ये चीज पॉइंट्स हो गया। उसके बाद इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, कह रहे हैं कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाइए, यानी ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाइए गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, एक ये बहुत अच्छा सजेशन। उसके बाद पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक जनरल पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करिए, कोऑर्डिनेट करिए। उसके बाद अगला देखिए, रिस्ट्रिक्टिंग रूल ऑफ एचआर एंड सीई डिपार्टमेंट। कह रहा है कि जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट है उसके रोल को कुछ कम कीजिए, यानी उसके इंटरवेंशन को कुछ कम कीजिए मंदिर में, ये सब सजेशन है। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है टेंपल से रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो है एन आदित्यन वर्सेस ट्रावेंकोर देवाश्रवम बोर्ड 2002, एन आदित्यवन वर्सेस ट्रावेंकोर देवाश्रवम बोर्ड 2002 का ये केस है जिसमें जजमेंट क्या आया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि मंदिर का जो प्रिस्टहुड होता है यानी पंडित जो होते हैं पुजारी, पुरोहित बोल सकते हैं, पुरोहित, तो उनको ओपन कर दिया था सभी कास्ट के लिए, इवन इन ब्राह्मणिकल वंस, यानी कि जो ब्राह्मणिकल टेंपल्स होते थे उसमें भी
उसमें भी प्राइस्टहुड को ओपन कर दिया टू ऑल द कास्ट। तो एक ये जजमेंट देखिए। उसके बाद सेकंड है रेतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप यानी अगर कोई भी जो भी मंदिर का देख रेख करता है, अगर आप किसी भी तरीके से माल एडमिनिस्ट्रेशन में पाए गए या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस केस में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रहे हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण जजमेंट। उसके बाद सिरूर मठ केस में क्या है कि इस केस में बोला है सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये डिक्लेयर किया कि व्हाट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, और फिर उसमें इन्होंने ये कहा कि एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन इट्सेल्फ। उसके बाद अगला देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स 2014। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेंपल को रेगुलेट करने के पावर का मतलब ये नहीं है कि उस टेंपल को इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए उसका जो है प्रशासन को ख़त्म कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। तो एक ये जो है लोगों को समझाया गया था। उसके बाद केरलाज पद्मनाभास्वामी टेम्पल्स केस, ये केरला का एक टेम्पल केस है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रावंकोर के एक रॉयल फैमिली को टेम्पल को मैनेज करने का अधिकार दिया था, और जो भी प्रॉपर्टीज बिलोंग करती थी उस टेम्पल से उनको मैनेज करने का अधिकार दिया था। एंड इट ऑल्सो डायरेक्टेड टू सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज फॉर इट्स मैनेजमेंट, कि उनको ये भी डायरेक्शन दिया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का भी गठन कीजिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस पद्मनाभास्वामी टेम्पल्स इन केरला। तो फ्रेंड्स ये थे आपके स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्पल्स बाय द स्टेट। इनसे रिलेटेड पूरी कहानी हम लोगों ने जानी, इनका बैकग्राउंड जाना हम लोगों ने, टेम्पल रेगुलेशन का बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ था 1817 से वो जाना हम लोगों ने, फिर इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जाना, स्टेट इंटरवेंशन के फेवर में जो आर्गुमेंट्स थे वो जाना, इसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स थे वो जाना, फिर फर्दर क्या सजेशंस हो सकते थे उनको जाना, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो सब हमने जाना। उसके बाद आपका पॉलिटी का सेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है अप्रैल मंथ के मैगजीन से। अब आगे हम लोग नेक्स्ट कोई और टॉपिक उठाएंगे किसी और सेक्शन से। तब तक के लिए धन्यवाद।